हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित। चलिए देखते हैं कल हम कौन सा स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल का पहला स्टॉक है टीवीएस मोटर। अगर कल ये गैप डाउन खुलता है अराउंड 700 के नीचे खुलता है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के आप ट्रेड कर सकते हैं। और पहला टारगेट जो बनता है 692 बनता है पहला टारगेट, और आप बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के जा सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ा कम रहना है क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में है। और नेक्स्ट अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो जो ग्रीन कलर का कैंडल रहेगा विक रहेगा, ग्रीन कलर का कैंडल का विक के पास आप स्टॉप लॉस डाल के आप ट्रेड कर सकते हैं। और जब आप फर्स्ट फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेंगे तो क्वांटिटी थोड़ा कम रहना है। उसके बाद 712 जब ये क्रॉस कर देगा तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। और पहला टारगेट जो बनता है 718 और 720। नेक्स्ट अगर आप ये स्टॉक पोजिशनल बेसिस में ले जाना चाहते हैं तो आप डेली कैंडल में आपको दिखाता हूँ तो इसका एनालिसिस, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कल अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है 712.50 क्रॉस करता है, इमीडिएट आप अराउंड वीक के आसपास यहाँ पे पुल बैक जब आता है, पुल बैक आने के बाद ये क्रॉस कर देगा तो आप उस वीक पे स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस में। और उसका पहला पोजिशनल बेसिस का टारगेट बनता है, ये फर्स्ट टारगेट है 815.75, और नेक्स्ट टारगेट 850 और 881 है। तो ये पहला फर्स्ट स्टॉक है। सेकंड स्टॉक डाबर इंडिया, सेकंड स्टॉक डाबर इंडिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था, बन रहा है। अगर कल ये फ्लैट खुल के यहाँ पे इस 487.95 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है, इमीडिएट 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डाल के आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और इमीडिएट टारगेट बनता है 489.60 फर्स्ट टारगेट। और ये पोजिशनल बेसिस के लिए भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन रिस्की रहेगा क्योंकि अभी मंथली स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना रिस्की रहेगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ रहा है। तो नेक्स्ट मंथ आप पोजीशन लेंगे तो स्टॉक ऑप्शंस में तो अच्छा रहेगा। डेली बेसिस में आपको दिखाता हूँ डेली कैंडल में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। इसका टारगेट फर्स्ट बनता है ये 437, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 491 का लेवल ब्रेक करता है। अगर कल ये कल फ्लैट ओपन होके थोड़ा पुल बैक होके अगर ये 498.70 का लेवल क्रॉस करता है, इमिडिएट टारगेट बनता है 489 और 91 टारगेट इंट्राडे के लिए। अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है नेक्स्ट, यहाँ इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है 489 के नीचे क्लोजिंग देता है कल, तो नेक्स्ट टारगेट इसका बनता है 437.30। तो अगला स्टॉक हमारा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया हुआ है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इन्वर्टेड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, नीचे क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर यहाँ पे थ्री थाउजेंड 448 के आसपास आके फिर से ये पुल बैक होके फिर से रिट्रेस करता है, नीचे आ जाता है और 3427.75 क्रॉस कर देगा तो इमीडिएट आप कितना 3448 का स्टॉप लॉस डाल के क्वांटिटी थोड़ा कम रहना है क्योंकि ये 4 डिजिट स्टॉक है, हैवी लॉसेस होंगे। तो अगर लॉस हुआ तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आप इसमें ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ये 3427.26 ब्रेक डाउन करता है तो इमीडिएट आपका टारगेट बनता है ये, और नेक्स्ट ये, और अगर ये फिर नेक्स्ट अगर ये लेवल भी क्रॉस कर देता है इस वीक में
तो इमीडिएट इसका टारगेट बनता है पोजिशनल बेसिस के लिए। टू थाउजेंड 772.80 ये पोजिशनल बेसिस के लिए टारगेट है। इंट्राडे के लिए ये रहेगा टारगेट। एक मिनट, इसका लो आपका टारगेट रहेगा, स्क्रीन कैंडल का लो 3384 इसका टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए। स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके लेके जाना है और इमीडिएट प्रॉफिट आने के बाद बुक कर लेना है, क्योंकि इंट्राडे में कुछ भी हो सकता है। अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।